For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ असगर है। मेरी स्पेशलिटी जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। मैं करंटली एज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी काम कर रहा हूँ शालामार मेडिकल कॉलेज में, और इसके अलावा एज अ सर्जन शालामार हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है मेडिकल वर्किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से है। 1996 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, और उसके बाद जो मेरी पहली फेलोशिप है वो मैंने पाकिस्तान से की थी, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से। ये मैंने 2001 में की थी, और अभी रिसेंटली मैंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से जो है फेलोशिप एक्वायर की है, जो कि 2018 में हुई है। जनरल सर्जरी काफ़ी वास्ट स्पेशलिटी है, इसमें काफ़ी सारे केसेस आते हैं, लेकिन हर जनरल सर्जन जो है उसके कुछ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो जो मेरे पास ज़्यादा केसेस आते हैं उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के केसेस आते हैं। लेप्रोस्कोपी में हम गॉलब्लैडर सर्जरी कर सकते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी कर सकते हैं, इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी कर सकते हैं, और कई दफ़ा जब पेशेंट के पेट में पेन हो और पता नहीं चल रहा हो कि ये पेन किस वजह से है, तो उस ऑपरेशन को हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हो सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी हो सकते हैं, कॉमनली जो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है इमरजेंसी में वो आता है। इसके अलावा अगर हम ब्रेस्ट सर्जरी की बात करें तो जो कॉमनली ब्रेस्ट के अंदर लम्स होते हैं, जो कि यंग पेशेंट्स में आमतौर पे बिनाइन होते हैं, और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उसके अंदर मेलिग्नेंट लम्स होते हैं। तो इसके अलावा अगर इनमें से कोई डायग्नोसिस कैंसर का हो जाए तो उसकी स्पेशलाइज कैंसर सर्जरी जो है वो भी हमारी प्रैक्टिस में आती है। इसके अलावा हर्निया काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि पेशेंट्स में देखते भी हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। जो ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए आते हैं, स्पेशली गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, और गॉल ब्लैडर में जो स्टोन फॉर्मेशन है उसमें एक बड़ा फैक्टर हमारी डाइट का है, क्योंकि हमारी डाइट में यूजली जो फैट्स हैं, डीप फ्राइड फूड है, उसका इनटेक काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं जो मैदे की तेजाबियत के सिम्टम्स से। पेशेंट को आमतौर पे पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है, जो कि सेंटर में भी हो सकती है, राइट साइड पे भी हो सकती है, और लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है। अगर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, साथ वॉमिटिंग हो सकती है। और गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन्स बन जाएँ और उसको टाइमली ऑपरेट ना किया जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारी हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है। अगर स्टोन स्लिप करके आगे चला जाए तो एक कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डस हो सकता है, और अगर उसके भी नीचे ये पैंक्रियाज की नाली को ब्लॉक कर दे तो फिर पैंक्रियाटाइटिस की हो सकता है, जो कि पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन है। तो इसलिए जिन पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर में स्टोन डायग्नोज हो जाए और उनको सिम्टम्स आ जाएँ तो उनको जल्दी सर्जन के साथ कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो हर्निया सर्जरी है। हर्निया बेसिकली वीकनेस हो जाती है पेट की दीवार की या एब्डोमिनल वॉल की, और जो मेल्स हैं उनके अंदर कॉमनली हर्निया ग्रोइन में होता है, जो पेट के निचले हिस्से में, और ये इनिशियली उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन ग्रेजुअली पैसेज ऑफ टाइम इसका साइज़ बड़ा होता जाता है और पेनफुल होता जाता है। जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो नाफ का हर्निया है, जिसको हम पैरा अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। उसके अंदर भी पेट की वॉल कमज़ोर हो जाती है दीवार, और उसमें कंटेंट्स जो पेट के अंदर इंटेस्टाइन या ओमेंटम है उसमें आ जाते हैं। तो हर्निया का भी टाइमली ऑपरेट करवाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसका साइज़ बढ़ जाए तो उसमें कई दफ़ा जो कंटेंट्स आते हैं पेट से हर्नियल सैक के अंदर, वो उसमें स्टक अप हो जाते हैं, और उसके अंदर फिर पेशेंट को एक्यूट पेन के साथ इमरजेंसी में आना पड़ जाता है, और उसमें इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। हर्निया की वजूहात में ज़्यादातर जो है ये यंग एडल्ट्स में कॉमन है, और इसके अंदर कई प्रोफेशंस के अंदर ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये जो ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, और फीमेल्स के अंदर इसकी वजह आमतौर पर रिपीटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, जिसकी वजह से पेट की दीवार कमज़ोर हो जाती है। एक और प्रॉब्लम जो बड़ा कॉमन है हमारे पेशेंट्स में वो पेरिएनल पैथोलॉजी है, जो कि पखाने की नाली के करीब जो सिम्टम्स होते हैं। तो उसके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स हैं, एक तो पाइल्स है, जिसको हम मेडिकल की ज़बान में हेमोराइड्स कहते हैं।
तो पाइल्स की डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, जो अर्ली स्टेज है इसके अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, और जो लेट है उसके अंदर जो हेमराइड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो पेनफुल हो जाते हैं। तो डिफरेंट स्टेज के ऊपर इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर इसका डायग्नोसिस अर्ली हो जाए तो इसमें जो जो स्टेज टू हेमराइड्स हैं और स्टेज जो हमारा स्टेज वन पे होते हैं हेमराइड, उसमें एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें जिसे हम रबर बैंड लाइगेशन कहते हैं, वो ऑफर कर सकते हैं। और अगर उसका साइज बड़ा हो जाए तो फिर इसको ऑपरेट करके इसको निकालना पड़ता है। हमारी पॉपुलेशन में ब्रेस्ट लंप भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो यंग फीमेल्स होती हैं उसके अंदर ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लंप्स ब्रेस्ट में इनको फील होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन प्रेजेंट विद पेन, और कई दफ़ा पेन के बगैर भी होते हैं। लेकिन ये बड़े ज़रूरी है कि जब भी किसी पेशेंट को ब्रेस्ट में लंप फील हो तो वो डॉक्टर को एग्जामिनेशन ज़रूर करे, क्योंकि जब भी लंप बन जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। यंग पेशेंट्स में जो मेजॉरिटी ऑफ द लंप्स होते हैं वो डेंजरस नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ के होते हैं जिसको हम फाइब्रोएडनोमा कहते हैं। लेकिन उसका जब तक वर्कअप और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना हो जाए आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस भी जितना अर्ली हो जाए उसका उतना बेहतर ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट लंप किसी भी एज के ऊपर जब पेशेंट को ये पता चले कि ब्रेस्ट लंप है तो उसको ज़रूरी तौर पे सर्जन को चेक कराना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए। अपेंडिसाइटिस जो है, जो कि अपेंडिक्स की सोजिश है, ये भी एक कॉमन एमरजेंसी है जिससे हम डील करते हैं। और इसमें जितना अर्ली डायग्नोसिस हो और जितना अर्ली पेशेंट की ट्रीटमेंट सर्जिकल हो जाए उतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर हम अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट लेट करें तो उसमें इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपेंडिक्स परफोरेट हो जाए पेट में, और अगर परफोरेट हो जाए तो फिर ऑपरेशन की नोयत चेंज हो जाती है, फिर वो एक मेजर सर्जरी बन जाती है। तो कोई भी पेशेंट जो है जिसको पेट में पेन हो, और स्पेशली ऐसी पेन जो कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में शुरू हो और चंद घंटों के बाद पेट के निचले हिस्से में राइट साइड पे चली जाए, उसके अंदर हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो अपेंडिसाइटिस है, और उसका डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होता है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड और ब्लड एग्जामिनेशन से होता है। तो कोई भी एब्डोमिनल पेन जो कि सीवियर हो, बड़ा ज़रूरी है कि वो जो है सर्जन को कंसल्ट किया जाए ताकि अपेंडिसाइटिस को रूल आउट किया जा सके। जनरल सर्जरी के अंदर जो हेड एंड नेक सर्जरी है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो थायराइड की डिजीज़ हैं। थायराइड ग्लैंड नेक के अंदर नॉर्मली होता है, और अगर ये एनलार्ज है जो है तो इसे हम गॉइटर कहते हैं मेडिकल की ज़बान में, और आम लोग इसको गिलर कहते हैं। हमारे वो इलाके जहाँ पे पानी में आयोडीन की कमी है, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। और क्योंकि हमारे माशरे में जिस तरह वो दुपट्टे से नेक को कवर करते हैं तो आमतौर पे पता भी नहीं चलता जब तक हम उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन ना करें। तो थायराइड को इन्वेस्टिगेट करना और ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसका फंक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी सारी सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होती है, वेट लॉस हो सकता है, उसके अलावा जो है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस जिस तरह डायरिया हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। तो अगर थायराइड एनलार्ज हो जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से वर्कअप करना कि उसकी फंक्शन कैसा है, और उसके अलावा उसकी बाकी इन्वेस्टिगेशन के उसकी एनलार्जमेंट में है उसमें कोई नोड्यूल्स फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग गाइटर्स है उसके अंदर कैंसरस चेंज भी आ सकती है और प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सर्जन को चेक कराया जाए और उनका वर्कअप किया जाए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मरहम के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स और प्रोफाइल जो है ना वहाँ पे मौजूद है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।